Gue Monastery. और Gue Monastery का जो रास्ता है वो थोड़ा सा अलग है. जैसे ही आप चेकपोस्ट से निकलते हो, चेकपोस्ट से निकलने के 2-3 किलोमीटर बाद राइट साइड में एक रास्ता जाता है और बाहर एक वो क्या अपने मंदिरों के वो द्वार से नहीं बने होते हैं, यहाँ पे उस रोड से आपको अंदर आके Gue का रास्ता मिलेगा. भैया उस चेकपोस्ट का नाम क्या है जहाँ से समझू चेकपोस्ट से 2 किलोमीटर बाद रास्ता फटता है ना आगे? और अब यहाँ से काजा कितना दूर रह गया? 81 तो लोग 3-4 घंटे में पहुँच जाएंगे. 3 घंटे का है. हाँ जी ले लेमन हनी लेमन हनी जिंजर चाय. आपका नाम भैया? तेंजिन नॉर्गे. गाइड था ना, शेरपा था ना, वो भी नेपाल से. तो आपके कम्युनिटी का नाम क्या है फिर? वो शेरपा हो गए तो इधर वाले क्या क्या बोलते हैं? बौद्ध. वैसे शेरपा भी बुद्धिस्ट ही होते हैं ना? यहाँ पे मैगी खा रहे हैं अभी तेंजिन भैया के पास. तो Gue Monastery के बिल्कुल भारी नहीं Gue Monastery के अंदर ही आपको भैया की शॉप मिल जाएगी. अब भैया ही देखते हैं. अच्छा Monastery भी आप ही देखते हो? तो यहाँ के पुजारी आप ही हो? अच्छा गाँव वाले आते हैं. अच्छा Monastery के बारे में एक बार हम मैगी खा लेते हैं उसके बाद बताएंगे. और बाकी हमारी बाइक ने हमें धोखा देना स्टार्ट कर दिया. शायद पता नहीं क्लच प्लेट में दिक्कत है क्या, लेकिन पावर नहीं ले रही है बिल्कुल भी. क्या लग रहा है तेरे को? क्लच की दिक्कत हो रही है. क्या कह रहे हो? कैचअप चाहिए? कैचअप नहीं भैया, कैचअप नहीं. पीछे डाटा ट्रांसफर हो रहा है. जो गाइस आप नीचे देख रहे हो वो है Gue विलेज. Gue ना Gue विलेज और ये Gue Monastery. हवा बहुत तेज चल रही है. शुक्र है हवा चल रही है, नहीं तो फिर धूप में तो अपनी लेने देनी कर देनी थी. बाइक के अंदर अभी इंजन ऑयल डाला है, देखते हैं कि कुछ फर्क पड़ता है नहीं. बाकी लग नहीं रहा मेरे को. 2-3 कदम चढ़ते हैं सांस चढ़ जाते हैं. तो Gue Monastery के बारे में आपको कुछ खास बातें बताते हैं. ये Monastery मेनली फेमस है, एक मोंक थे तो उन मोंक ने लगभग 14th या 13th सेंचुरी में समाधि ली थी. 1430 यानी 15th सेंचुरी में उन्होंने समाधि ली थी. 5-6 स्तूपा थे यहाँ पर, लेकिन 1975 में एक अर्थक्वेक आता है और उसके बाद जब जो ITBP थी यहाँ पर कुछ खुदाई कर रही थी तब स्तूपा मिले थे और स्तूपा के अंदर से जो मोंग थे उनकी मम्मी मिली थी. और इस मम्मी को बिना किसी प्रिजर्वेटिव या फिर बिना किसी केमिकल के प्रिजर्व किया गया है. तुलकु सहा तंजिन. और ऐसा माना जा रहा है कि 15th सेंचुरी से लेकर अब तक ये मम्मी एकदम वैसे की वैसी है. ऑक्सफर्ड से रिसर्चर आए थे और उन्होंने 14th कार्बन डेटिंग के थ्रू इस मम्मी की एज पता लगाई थी कि भाई हाँ मम्मी कितनी पुरानी हो सकती है. तो और उसी के बाद ही मतलब उन्होंने बताया था कि दिस मम्मी बिलोंग्स टू 15th सेंचुरी. तो जब ITBP यहाँ पर डिग कर रही थी मतलब कि खोद रही थी तब उनको यहाँ पर 6 स्तूपा मिले थे और उन एक स्तूपा के अंदर से तेंजिन मोम की मम्मी मिली थी जो आप सामने देख रहे हो. और कमाल की बात पता है क्या है, इस मम्मी के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया हुआ है इसको प्रिजर्व करने के लिए. मतलब कि सब कुछ नेचुरल तरीके से अपने आप प्रिजर्व हो गई है. सांस अट रहे हैं बोलते टाइम.
तूने ध्यान से देखा किस पोस्चर में बैठे हैं? हाँ। अब बात होती है ना जब बुड्ढे हो जाते हैं तो ये हाल। बाय बाय। यहाँ पर आपको मैगी मिल जाएगी जो हमने भी खाई थी और चाय कॉफ़ी ये सारी जगह। पीछे रह जाती है मोनेस्ट्री। और यहाँ पर जिनका ये टपरी है ना जहाँ पर आपको खाने के लिए मिलेगा, वो मुझे बता रहे थे कि YouTube पर इस मम्मी के बारे में डिटेल में बताया हुआ है कि भाई इतने सालों तक ये मम्मी कैसे बच के रह गई, और अगर मान लो वो अर्थक्वेक नहीं आता और उस तूफान नहीं टूटते तो ये मम्मी कभी भी मतलब मिलने ही नहीं थी ना यार, मिलने ही नहीं थी भाई। बाय चांस वो अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आने के कारण जो स्तूपा बने हुए थे टूट गए और इस कारण से ये मम्मी डिस्कवर हो गई। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई यार स्तूपा को तोड़ के, कौन तोड़ेगा स्तूपा को। तो देखना यार आप YouTube पर आपको इस मोनेस्ट्री के ऊपर एक वीडियो मिलेगी, उसके अंदर आपको डिटेल में बताया हुआ है कि भाई इस मोनेस्ट्री के ऊपर क्या है। उस वीडियो का टाइटल शायद ये द सीक्रेट्स ऑफ तिब्बतियन ममी, ऐसे तिब्बतियन है ना ऐसा कुछ, द सीक्रेट्स ऑफ तिब्बतियन ममी। अभी हो गया है हमारा चलने का टाइम, पर यार यहाँ के जो व्यूज देखे ना दिल खुश हो जाता है। पहली बात यार इतने खुराफाती लोग होते कैसे थे, मतलब कि यहाँ पर आना क्यों ज़रूरी था, वो नीचे भी तो रह सकते थे। यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पर मतलब कि ना ढंग से अनाज होता है, एक तो इतनी ठंड पड़ती है, लेकिन भाई पुराने लोगों का खुराफाती दिमाग था, तभी वो यहाँ पर आए, तभी कल्चर बना, तो इस चीज़ के बारे में क्या बोल सकते हैं। क्योंकि यार ये आजकल तो यार बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, मोटर सब हर चीज़ हो गई है, गाड़ी हो गई है। उस टाइम क्या होता था, उस टाइम तो बस जो अपना मैनुअल पावर थी उसके अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि मशीन तो थी नहीं, मशीन होती थी वो छोटी मोटी मशीन। चश्मे रोक ले हेलो, क्या नाम है आपका? संग। ये याक गरम रहता है ना ये? याक है इधर, याक बैठा है। अच्छा आमिर, ये तीनों काऊ वो याक है। इसको सेब खाना है। ओके बाय बाय। सेब खा गया भाई का, सेब खा के गए। बाय बाय। यहाँ पर स्प्रिंग को पता क्या बोलते हैं? चश्मे। और ईरान के अंदर भी स्प्रिंग को चश्मे बोलते हैं, शायद ये फारसी का ही वर्ड शिमला से। तो शिमला से ऐसे होते 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 कितना जाएगा काजा? तो ग्यो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्यो मोनेस्ट्री के लिए जैसे ये शिमला की तरफ से आ रहा है, ये देखिए ब्रिज आएगा, उधर से रिवर आ रही है नीचे से, ये ब्रिज है और इधर है ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। उधर से आओगे
और अच्छा रोड है और व्यूज भी अच्छे हैं। जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली है वो है ताबो, जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। आज रात को हम पहुंच जाएंगे काजा। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो लोग चैनल पर नए हैं, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूँगा। बस गाइस, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। बाय बाय।